तो यार केरला स्टोरी ने इंडियन ऑडियंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पहली ऑडियंस जो कि इसके फेवर में है और दूसरी ऑडियंस जो कि इसके अगेंस्ट में है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये मूवी इंस्पायर्ड बाय है, ना कि बेस्ड ऑन, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेस्ड ऑन मूवी वो मूवीज होती हैं जो कि ट्रू इवेंट पे बेस होती हैं और उसमें कुछ अलग से माल मसाला नहीं चिपकाया जाता, बल्कि इंस्पायर्ड बाय मूवीज वो मूवीज होती हैं जो कि ट्रू इवेंट्स के फैक्ट्स पे तो बेस्ड होती हैं लेकिन उसमें डायरेक्टर अपना माल मसाला लगा के ऑडियंस को मूवी दिखाता है। मूवी की पॉजिटिव की बात करूँ तो वो है इसकी कास्टिंग। हर बंदे ने हाई परफॉर्मेंस एक्टिंग से मूवी में फाड़ के रख दिया है और मूवी का लीड रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस अदा शर्मा की एक्टिंग तो एक लेवल और ऊपर है। बंदी ने पूरे मूवी में इतना इनोसेंटली अपना रोल प्ले किया है कि लगता है कि ये रोल सिर्फ इसी के लिए बनाया ही गया था। ये मूवी पूरी इंडिया में शूट हुई है लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि अफगानिस्तान और सीरिया वाले सीन इतने रियल लगते हैं, जैसे लगता है कि वो सीन सारे अफगानिस्तान और सीरिया में ही शूट किए गए हैं, ना कि इंडिया में। ये सब तो ठीक है लेकिन मूवी का जो मेन मुद्दा था, जो कि मूवी केरला की स्टोरी दिखाना चाहती थी, लव जिहाद को एक्सपोज करना चाहती थी, उसमें ये मूवी 100 out of 100 स्कोर करती है। मूवी में सारे रेप सीन्स, मारकाट वाले सीन्स, ब्लड सीन्स, एक भी सीन को डायरेक्टर ने ब्लर तक नहीं किया है। सारी की सारी ब्रूटैलिटी एकदम ओपनली दिखाई है इन्होंने। वो सारे ब्लड वाले सीन्स, वो मुड़ी कट के गिरने वाले सीन्स, एकदम ब्रूटैलिटी है, एकदम ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी बन जाती है। और फैक्ट की बात यह है कि इस मूवी को देखने के लिए आपका एडल्ट होना जरूरी नहीं है लेकिन आपका कलेजा मजबूत होना जरूरी है। मूवी में इतनी ब्रूटैलिटी सीन भरी है कि आपको पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपको ब्रूटैलिटी देखने की आदत नहीं है तो आप ये मूवी मत ही देखना। तो यार ये सब तो ठीक है, अब बात आती है कि इस मूवी में गलत क्या है। तो इस मूवी के लॉन्च से पहले इस मूवी के डायरेक्टर ने बताया था कि केरला स्टोरी में जो 3 औरतों की स्टोरी दिखाई गई है वो केरला में 32,000 औरतों के साथ हो चुका है। इनको लव जिहाद के चलते फोर्सफुली उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में उन्हें ISIS ज्वाइन कराया गया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली में कितने लोगों ने इंडिया छोड़कर ISIS ज्वाइन करने गए थे। तो US के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट में बताया था कि करीब 66 इंडियन ओरिजिन बेस्ड फाइटर एफिलेटेड थे ISIS से एज ऑफ नवंबर 2018 की स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट ने भी 60 के आसपास ही आंकड़ा बताया था। अब इस 60 में से कितनी औरतें हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 13। अब इस 13 औरतों में से कितनी केरला से हैं, तो वो हैं 6। अब इस 6 औरतों में से किनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था, उसमें आती हैं सिर्फ 3 औरतें, जिनमें 2 क्रिश्चियन थी और 1 हिंदू थी। और जो मूवी में दिखाया जा रहा है वो असल में इन्हीं 3 औरतों के साथ हुआ था और जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं। और मूवी क्या क्लेम कर रही थी कि ये 32,000 औरतों के साथ हो चुका है। और यही है इस मूवी का सबसे बड़ा झूठ। 3 लोगों के इंडिविजुअल केस को लेके पूरे केरला को बदनाम किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड जब मीडिया वालों ने डायरेक्टर से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो डायरेक्टर ने एक भी क्वेश्चन का आंसर ढंग से नहीं किया। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए मूवी के डायरेक्टर ने कहा कि जब हमारी मूवी रिलीज होगी तब हम एक्चुअल डेटा देंगे, लेकिन जब ये मैटर कोर्ट में पहुंच गया तब भाई साहब ने क्या किया कि मूवी के डिस्क्रिप्शन में से वो 32,000 का नंबर हटा के सिर्फ 3 नंबर रख दिया। और ये तो ठीक है, यहाँ हमारे पॉलिटिशियन भी इस मूवी को प्रोपागेंडा बना के अपने स्पीच में यूज कर रहे हैं। आप यही स्पीच सुन लीजिए। उनकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। फॉर्मर डिप्लोमेट तालमीज अहमद ने ये बताया है कि इंडिया का ट्रेडिशन और कल्चर, इंडिया का यूनिटी इन डाइवर्सिटी और इंडियन मुस्लिम्स का क्रिश्चियन और हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहना, यही 3 रीजन है कि इंडियन मुसलमान एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मूवी को एज अ मूवी की तरह देखें और इससे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपने रिलेशंस किसी के साथ खराब ना करें।